गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज सेमेस्टर 3 पेपर 7 में हम देखेंगे MN श्रीनिवास को, जिनका पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास है। इनका जन्म 1916 में मैसूर में हुआ। इन्होंने स्नातक की डिग्री मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में प्राप्त की। इन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा सन 1939 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से पास की। 1945 में उन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय द्वारा PhD की उपाधि प्राप्त की गई। पुनः उन्हें 1947 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से DPhil की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1942 से 51 के बीच में श्रीनिवास ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में भारतीय समाजशास्त्र के व्याख्याता रहे। वे 1953 से लेकर 1959 तक MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे। सन 1959 से 72 तक वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 1972 में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा DLit की उपाधि प्राप्त की गई। 1955 में उन्हें रिवर्स मेमोरियल पदक प्रदान किया गया। सन 1953 में उन्हें शरद चंद्र राय मेमोरियल पदक से भी सम्मानित किया गया। वे 1964 ईस्वी से रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फेलो थे। सन 1971 में उन्हें दादा भाई नौरोजी पदक प्रदान किया गया। सन 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया है। वे 1957 ईस्वी में 44वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानवशास्त्र तथा पुरशास्त्र शाखा के अध्यक्ष रहे। वे 1966 से लेकर 1969 तक भारतीय समाजशास्त्रीय समाज के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कुर्ग जनजाति के बीच एक साल का क्षेत्र कार्य किया था। उन्होंने तमिलनाडु में भी 3 माह तक क्षेत्र अध्ययन कार्य किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 माह तथा मैसूर के रामपुरा ग्राम का अध्ययन 1 वर्ष 1 महीने तक किया। उनकी अभिरुचि क्षेत्रीय संस्कृति, धर्म तथा सांस्कृतिक परिवर्तन रही है। उनके द्वारा भारतीय मानवशास्त्र में अनेक योगदान रहे। उन्होंने मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 पुस्तक लिखी। उनके द्वारा कई कृतियां लिखित रूप में विद्यमान है, जैसे रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जो 1952 में छपी। उसके बाद कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, जो 1962 में छपी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, जो 1962 में छपी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो 1966 में छपी। 1976 में द रिमेंबर्स विलेज लिखे। 1976 में नेशनल बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया भी उनके द्वारा प्रतिपादित हुआ। उनके द्वारा संपादित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे इंडियाज विले, मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी तथा डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज आदि पुस्तक प्रमुख हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त श्रीनिवास ने करीब 5 दर्जन शोध पत्रों का प्रकाशन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में भी किया है। उनका प्रमुख योगदान संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण,
नगरीकरण तथा प्रबल जाति आदि अवधारणाएं उन्होंने दी हैं। उसके अलावा धर्मनिरपेक्षीकरण भी उनके द्वारा दिया गया है। पश्चिमीकरण की अवधारणा के संबंध में एम.एन. श्रीनिवास बताते हैं कि पश्चिमीकरण प्रक्रिया का संबंध केवल ब्रिटिश शासनकाल में लाए गए परिवर्तनों से है, जो स्वतंत्र भारत में अभी भी जारी है। पश्चिमीकरण प्रक्रिया का संबंध भारत की किसी जाति विशेष से नहीं है। इसका प्रभाव भारत में निवास करने वाली सभी जातियों जनजातियों के मध्य देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के से पश्चिमीकरण प्रक्रिया में आई गति यह स्पष्ट करती है कि स्वतंत्रता इस प्रकार के तुरंत के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें थी। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में स्थायी एवं आमूल परिवर्तन आया है। यह काल अन्य भारतीय ऐतिहासिक कालों से भिन्न था। ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज में नए शिल्प विज्ञान विश्वास संस्था ज्ञान तथा मूल्य का आगमन हुआ, जिसे भारतीय ने स्वीकार किया है। इस प्रकार से पश्चिमी देशों से लाई गई संस्कृतियों को स्वीकार करना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। इसके संबंध में श्रीनिवास ने उर्द सामाजिक प्रक्रिया को दर्शाने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा का विकास किया है। उनके अनुसार संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा निम्न हिंदू जाति या जनजाति के सदस्य अपने विचार रीति रिवाज धार्मिक अनुष्ठान तथा जीवन जीने के तरीके में उच्च जातियों द्वारा अनुसरण करते हुए परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार संस्कृति प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन की दिशा सदैव ऊर्ध्व अर्थात उच्च होती है। इस प्रक्रिया द्वारा निम्न जाति या जनजाति के सदस्य उच्च या द्विज जातियों के विचार रीति रिवाज धार्मिक अनुष्ठान तथा जीवन शैलियों का अनुसरण करते हैं और अपने आप को जाति पद व्यवस्था में उच्च दर्शाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन ही संस्कृतिकरण कहलाता है। उन्होंने अपने अध्ययन में कुर्ग जनजाति के अध्ययन के आधार पर यह कहा कि कुर्ग जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है, जबकि कुर्ग अपने आप को हिंदू धर्म के आधार पर क्षत्रिय बतलाते हैं। श्रीनिवास ने इस प्रकार के ऊर्ध्व सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण मैसूर राज्य के संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसके समानांतर उदाहरण भारत देश के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। जैसे बिहार राज्य के रजवार जाति के लोग अपने आप को राजवंशी क्षत्रिय कहते हैं, उसी प्रकार कोयरी जाति के सदस्य भी अपने आप को कुशवाहा क्षत्रिय बतलाते हैं। ग्वाला जाति भी अपने आप को कृष्णवंशीय क्षत्रिय कहते हैं। ये रजवार तथा कोयरी या ग्वाला जाति के लोग जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में नीचे तबके के लोग हैं, लेकिन ये अपने आप को अपने नाम के अंत में विभिन्न प्रकार के उच्च नाम रखकर अपने आप को उच्च जातियों से संबंधित करते हैं या उनकी संस्कृतियों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अपने आप में लाए गए परिवर्तन को ही संस्कृतिकरण कहा जा सकता है। इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने प्रबल जाति की अवधारणा दी है।
उनके अनुसार एक कुर्ग ग्राम रामपुरा के गहन अध्ययन के पश्चात श्रीनिवास ने प्रबल जाति की अवधारणा का विकास किया। उन्होंने डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा विलेज शीर्षक का लेख अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में लिखा था। उनके अनुसार संपूर्ण भारतीय ग्राम जीवन की विशेषता प्रबल जाति का अस्तित्व है। प्रबल जाति का ग्राम की भूमि पर अधिकार होता है। गांव में उस जाति का सदस्य संख्या अधिक होती है तथा स्थानीय जाति व्यवस्था में उसका स्थान उच्च होता है। जब किसी जाति के पास प्रबलता के सभी गुण पाए जाते हैं तब वह जाति निर्णायक प्रबलता का आनंद प्राप्त करती है। इस प्रकार एक जाति किसी ग्राम के संदर्भ में प्रबल जाति तभी हो सकती है जब उनकी जनसंख्या अधिक हो, उसकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति मजबूत हो एवं उस जाति के लोगों का स्थान जाति पद व्यवस्था में उच्च हो, उसे जाति प्रबल जाति कहते हैं। श्रीनिवास के अनुसार प्रबल जाति से संबंधित चार महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, सांख्यिकीय शक्ति। दूसरा, आर्थिक साधन यानी भूमि पर नियंत्रण। तीसरा, राजनीतिक शक्ति। और चौथा, सामाजिक धार्मिक स्थिति। M.N. श्रीनिवास के अनुसार प्रबल जाति वह जाति समूह है जो या तो संख्या बल के आधार पर ज़्यादा हो या जिनका भूमि पर अधिकार हो या वो राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे हो या वो उनका धार्मिक व सामाजिक स्थान उच्च होता है, उन जाति समूहों को प्रबल जाति कहा जा सकता है। जैसे किसी ग्राम में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के जाति समुदाय के लोग निवास कर रहे हों और उस ग्राम में कोई ऐसा जाति समुदाय का की संख्या जिसकी संख्या ज़्यादा हो, वे जाति समुदाय के लोग पूरे ग्राम पर अपना प्रभुत्व बनाते हैं। वे संख्या के आधार पर भी बना लेते हैं या उस जाति समुदाय के पास भूमि या पैसे की बहुलता होती है तो उस जाति समुदाय के लोगों को प्रबल जाति कहा जा सकता है। उनका संख्या के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर मजबूत होने के कारण वे समस्त गांव में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इस प्रकार की जाति समूह को प्रबल जाति कहा जा सकता है। इसके अलावा M.N. श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, विस्तार की अवधारणा, ऊर्ध्व एवं क्षैतिज जाति एकात्मक की अवधारणा तथा भारतीय ग्राम के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। उन्होंने भारतीय ग्राम के आधार पर ग्राम अध्ययन हेतु इंडियन विलेज नामक पुस्तक का प्रकाशन 1955 में किया, जिसके कारण M.N. श्रीनिवास को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है। आज के लिए M.N. श्रीनिवास के योगदान की इतना ही चर्चा करते हुए अंत करता हूँ। धन्यवाद।